पुराने और अनुभवी नेताओं के दम पर लोकसभा चुनाव में उतरेगी भाजपा। यूपी में नहीं हुआ बड़ा बदलाव। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की टीम में अधिकांश पुराने चेहरों को बरकरार रखा गया है। 45 सदस्यीय टीम में 8 नए चेहरों को जगह मिली है। इनमें कानपुर, बुंदेलखंड, पश्चिम और गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष को प्रदेश टीम में शामिल किया गया है। वहीं 4 प्रदेश पदाधिकारी पदोन्नत किए गए हैं। आगामी नगरीय निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश टीम में बड़े बदलाव का जोखिम नहीं उठाया है। पुराने और अनुभवी पदाधिकारियों पर भरोसा जताते हुए टीम में फिर मौका दिया है। भाजपा संगठन की राजनीति और चुनावी रणनीति के लिए इसी अनुभवी टीम के बूते निकाय से लेकर लोकसभा चुनाव में उतरेगी। भूपेंद्र सिंह चौधरी को 25 अगस्त 2022 को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। चौधरी ने 29 अगस्त को पदभार ग्रहण किया था। तब से ही चौधरी की नई टीम को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। ऐसा माना जा रहा था कि टीम में बड़ा बदलाव होगा, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश नेतृत्व को ज्यादा फेरबदल की हरी झंडी नहीं दी। प्रदेश के 3 पदाधिकारी योगी सरकार में मंत्री बने थे। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर प्रदेश महामंत्री थे। इनके स्थान पर आगरा के राम प्रताप सिंह चौहान लाए गए हैं। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए थे। इनकी जगह पर प्रदेश मंत्री त्रयंबक त्रिपाठी को पदोन्नत कर प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष थे। इनके स्थान पर प्रदेश मंत्री देवेश कुमार कोरी को पदोन्नत कर प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। पुरानी टीम में प्रदेश महामंत्री सुब्रत पाठक, वैश्वनी त्यागी तथा प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र चौधरी को नई टीम में जगह नहीं मिली है। इनके स्थान पर प्रदेश मंत्री संजय राय व सुभाष यदुवंश को पदोन्नत कर प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। देवेंद्र की जगह पश्चिम के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह 4 प्रदेश मंत्रियों की पदोन्नति से खाली हुए स्थानों पर 4 नए चेहरों को मौका दिया गया है। भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों में कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे मानवेंद्र सिंह, पश्चिम के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल और गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सेंथवार को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। योगी सरकार में मंत्री रहे अमेठी के सुरेश पासी, अवध के क्षेत्रीय महामंत्री श्री भूषण सिंह, भाजयुमो के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री अभिजात मिश्रा व गाजियाबाद के बसंत त्यागी को नए चेहरे के रूप में प्रदेश मंत्री बनाकर शामिल किया गया है।